यहाँ पे अनसीन क्लिप्स देख लो। हेलो गाइस, मैं अभिलाल और आप देख रहे हो आलतू फालतू। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक न्यू एक्साइटिंग ब्लॉग में। तो गाइस, आज जुमा है और जाहिद आज क्या हो गया? आज हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने के चक्कर में हम लोग ने टेक लेना ही भूल गए और मैं वापस हो गया था गाइस। और अभी उठे हम लोग और पापा, अभी तो जिशान भाई बोल रहा था कि पबजी खेलने के लिए थोड़ा टाइम बचा पबजी खेलते थोड़ा सामान भी लेकर आने का, उससे पहले थोड़ा पबजी खेल लेते, है ना उस तू? अरे अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ये तो गले ही पकड़ लिया अभी। चलो क्या कर रहे बे? खाओ, मेरा रोजा है पापा। तुमने रोजा नहीं रखा? मुंह में दाल लेगा फिर बोलेगा अरे बच्चे ने खिला दिया। अरे मुझ तो कहा कर लो पापा, किसी को भी नहीं लेना। गंदी बात। हाँ, तुम खाओ, तुम खाओ। ये रोजा तुटवाने के चक्कर में अपना जबरदस्त देखे लोगों ने, देखे तूने क्या किया। हाँ, तो मुझे खिलाओ क्यों बोला? अबे खिलाओ कब बोला? बोला खाओ। मुझे खिलाओ नहीं बोला इतने? हाँ ये बताया, बोला ना, बोला ना इसने खिलाओ। हाँ देख कुछ भी बोला ना, खिलाओ इसने मुझ तो। किसने मारा? कौन मारा? कौन मारा? मारो मारो। पप्पी दे दो मामू को, पप्पी दे दो। अबे ऑडियंस को, ऑडियंस को दे रहे। चलो मुझसे जा ब्लॉगिंग कर लो। ब्लॉगिंग करो, करो ब्लॉगिंग करो। इसको ऐसे हाथ में दे। हां ये मस्त ना, मस्त ना ब्लॉगर बनेगा। हां एकदम यूं पकड़ा, एकदम वैसे ही पकड़ा दोनों हाथ से। लेकिन मुझसे आप पप्पी दे दो, ऑडियंस का पप्पी। अरे उधर उधर, सॉरी उधर उधर पप्पी दो। अबे फोन पे दे, फोन पे। इधर इधर मुझसे, इधर 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 पप्पी दो। अरे इधर 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 मोबाइल पे, मोबाइल पे, मोबाइल पे पप्पी पप्पी दो। गाइस हम लोग का पबजी खेल के हो गया, तो हम लोग आ गए हैं अभी नीचे, तो सामान लेने जाएंगे। जो बाकी है थोड़ा सब लेने जाएंगे। इतना ज़्यादा मैं सो लिया हूँ ना आज, मैं आज के बाद से कभी इतना नहीं सोने वाला हूँ। मेरी बहुत बड़ी गलती हुई है, गलती से सोया हूँ मैं। मेरे को कोई उठाया तक नहीं है घर में, अब से मैं नहीं सोने वाला हूँ। अब तो मैं अलार्म लगा के ही रखूँगा, ये एक एक घंटे का अलार्म होगा। कभी गलती से सो गया तो उठ जाऊँ। मैं आया नीचे, मैं देखा तू सो रहा है, तो मैं वापस आ गया ऊपर। उठाना चाहिए था भाई, उठाना चाहिए था। वो टाइम फोकट ही था, मैं बोला क्या ही उठा, सो जा। बहुत टाइम था यार, नमाज पढ़ के सब हो गया था उस टाइम। अभी भी बहुत टाइम बचा है वैसे तो तारी को। अभी जाके सामान लेते पहले। भाभी बोल रहे ना कि कुछ सामान लेकर आ जा फटाफट। भाभी आज कुछ नया बना रहे। ओहो चलो। सो गाइस हम लोग को तीली मिल रही नहीं है। बच्ची मैं तो बोलता हूँ उससे, कोई बोलते वो दे देगा, पैसा दे रहे बच्ची दे देगा। हाँ वो शायद दे दे, लेकिन जो भी हो, लेकिन हम लोग कितनी दुकान में गए, हम लोग को तीली मिली ही नहीं। मिल रही भी तो इतनी मोटी और इतनी बड़ी। हाँ बहुत मोटी मोटी मिल रही है, अब उसको उसमें कैसे लगा के तलेंगे। बच्ची अभी अपने को लेने का ब्रेड। हाँ हाँ ब्रेड लेने का भाई। यहाँ पर आके ब्रेड और दूध भी ले लिया गया है। अभी बहुत सारी चीज़ सारी हो गई है। हेलो। तो अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, वो भी ले लेते। पहले तो तीली देखने का आदमी। हाँ वो चाय वाले के बाजू में बोल रहे थे, वो वहाँ पे वही वो स्टेशनरी जहाँ पे अपने आ गए थे। उसको भी थैली में दे दो। तो गाइस यहाँ पर देखो जाहिद यहाँ पे तीली मांग रहे। अरे उसमें जो लगाते हो, उसमें जो बीच में है। अच्छा मिलता कहाँ है? तो गाइस फाइनली मिल चुका है हम लोगों को ये। भाई ने बता दिया कहाँ से मिलता है। हाँ इतना ढूंढे हम लोग ने, इतना ढूंढे, पूरा तलोजा ढूंढ लिया, तलोजा ढूंढ के आया है। वो भी उसने बताया, वही भाई ने बताया। जो दुकान में मिलता है उनसे पूछ के आए हम लोग। हम लोग तो उनसे ही मांग रहे थे, बोले आप दे दो, फिर बाद में पूछे तो बता दिया उसने। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं सारा सामान लेकर। एक सामान भूल गया। देखो हर बार यही होता है यार, पहली बार यार। क्या भूल गया? शिमला मिर्ची भूल गया, अभी उसके लिए जाना पड़ेगा वापस। आज है ना गाइस उदापी, आज है ना गाइस है पप्पी और काशिप भाई भी आ रहे ना, तो इस वजह से हम लोग के घर पे भी बहुत सारी चीज़ें बन रही है। और जाहिद भी कुछ नवा बना रहा है, क्योंकि तीली वीली लिया है, तो भाभी भी कुछ नवा बना रहे है। पप्पी और काशिप भाई के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाए हुए हैं हम घर पे। आने का वेट है। हाँ बस लोग आ जाए। कब तक आएंगे ये लोग? पता नहीं, बस आ जाए।
कॉल कर। तो गाइस अब सब सारा सामान आ चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। एक और बार चेक कर लूं? नहीं नहीं अब मत, अब मैं नहीं आऊंगा, तू जाना। चलो अब कुछ नहीं बचा है। तो गाइस जैसे हम लोग घर पे आए, वैसे ये भाभी ने यहाँ पर पैनकेक बनाए, वो भी होममेड, जो कि गाइस बनाता है जो और रेडीमेड रहता है, लेकिन यहाँ पे भाभी दूध मिला के मिक्स करके। मस्त बनाए हुए एकदम, बीच में चॉकलेट भी है। अफ्तारी के बाद, अफ्तारी में पता चला। और भाभी आपने जो तीली मंगवाया हम लोग से, वो तीली में मतलब क्या बनाने वाले हैं? तीली में चिकन डाली है ना, पूरा वो सब कटा हुआ है। ओहो चिकन शिमला मिर्चे भी इसलिए मंगाए थे ना, उसमें लगाएंगे पूरा शिमला मिर्चे, ऑनियन अदरक प्याज। और दो तरीके की चिकन है, ये चिकन पकौड़ा है। हाँ ये चिकन पकौड़ा। ओहो और वो अपना वो क्या नाम है, चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स अपना यहाँ पे तेरे भाई ने बनाया। हाँ फ्रोजन चिकन नगेट्स गाइस, वो भी होममेड। सारी चीजें होममेड बनाओ गाइस, ताकि बाहर की चीजों की केमिकल ना लगे, जितना केमिकल है अपने घर में ही डाल दो। मैंने जैसा कल के ब्लॉग में बताया था सेब में कितना केमिकल था। हाँ और यहाँ पर अभी अभी मिला रहे रूह अफ़ज़ा में लेमन स्क्वीज करके देखा करो गाइस, बहुत मजा आता है उसमें। अभी देखो क्या काम है, अभी तू क्या करने वाला है? अभी मैं दिल्ली में वो सब डालने वाला हूँ। तू करेगा वो? हाँ तो। मेरे को लगा अपन पबजी खेलेंगे वापस से। चलो खेलते करने के बाद। अच्छा अभी पहले हम लोग को भाभी लगा के दिखा रहे, जैसा मैंने भाभी को सिखाया हूँ वैसा भाभी मेरे को अभी लगा के दिखा रहे कि कैसा लगाना चाहिए। पहले चिकन लगाए। हाँ एकदम भाभी एकदम अच्छे से करेक्ट एकदम। कितने कितने लगाने का है? एक में तीन। एक में तीन। ओहो देखा देखा बता दिया मैं पहले ही, देखा है मस्त। से पहला करवा रहे ना? नहीं वो मैंने भाभी को बोला कि भाभी बताओ कि कैसा बना रहे आप, है ना भाभी? अरे रे आय है क्या लग रही है, क्या लग रही है। और प्याज एक और ऊपर से डाल दो ना इसमें, देखा मैंने ही बताया था, देख रहा है? ओहो एकदम फिनिश लग रहा है, एकदम मस्त। इसमें रखो, एकदम मस्त बन गया है गाइस ये। अभी साइड लगाएगा और मैं देखूंगा। हाँ मैं सिखा दिया हूँ ना इसलिए। तो गाइस यहाँ पर अभी अमन भाई बोल रहा है कि प्याज ज़्यादा डालने के लिए जाहिद को, क्योंकि प्याज कम डाल रहा है जाहिद। मैं इसको बोला सुनता नहीं है, टीचर के आगे नहीं जाता खाते अपना। वही तो डाल, अभी इसको डबल करके डाला है एक जगह पे, एक सीधा डाल रहा है इसको पता चल रहा है। टाइम बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि भाभी आप बहुत मस्त मस्त चीज बना रहे हैं, इसलिए कुछ चाहिए अक्षय? हाँ चाहिए ना खाने के लिए, इतनी सारी चीज बना रहे खाऊंगा ना, तारीफ कर लो। कर ले बोटी ऐसा डाल रहा आता नहीं, और मैं करूंगा कर रहा था। हाँ वही तो, इसमें से डाल के करना चाहिए, वो लटक ही रहेगा एक जगह तलने के टाइम पे आना। हम जा भाभी देख रहे लोग सिर्फ बोल रहे, कुछ करते तो है नहीं। जाइए उधर, आप उधर जाइए, जाओ भाभी की मदद करो। अच्छा वाले भाभी बुला लिए। हाँ अमन भाई गया भाभी की मदद करने। गाइस यहाँ पर अभी भाभी ने गार्लिक ब्रेड भी बनाए हुए हैं, और अभी देख रहा हूँ मैं भी यहाँ पे, मेरी मेहनत है वो। हाँ भाभी 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 तो ऐसा कर रहे हैं। हाँ हाँ रुक जा, लेकिन गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छा दिख रहा है भाभी, आप रखो मैं जरा दिखा गया हूँ ये। हाँ जाहिद यहाँ पे और ऊपर से लगाते हुए वो जाहिद। हाँ अभी ये ना वो एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम फुला फुला है, तलने के बाद एकदम सुकड़ जाता है वो, पता है ना? मालूम है, देखा मेरे को हर चीज मालूम है, क्योंकि मैं नहीं सिखाया तुम लोग को क्या बोलो अभी। हाँ पर बहुत सारी चीजें बना दी गई है ऑलरेडी पप्पे के आने के, इसलिए पप्पे आ रही है इसलिए, और यहाँ पे भजिया रोल समोसे बहुत सारी चीज़ें बन चुकी है, और अभी भी बहुत सारी चीज़ पे बनना बाकी है। पता नहीं अभी चिकन का भी क्या बना रहे हैं, अंडे भी रखे रहे, चाट भी बना रहे हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह है प्यारी, इस वजह से हम लोग सब कुछ बना रहे, देखते अभी कब तक आती हो जाहिद। ये देख मम्मी ने पहली बार अपने हाथ से समोसे और रोल बनाए ना, इस वजह से मम्मी ने बोले कि जा जल्दी ऊपर से ऊपर देकर आ जाना। मेरे को सबसे अच्छा इसमें से एक ही चीज याद लगती है, आलू। बचपन की यादें। तो गाइस मम्मी पहले बनाती नहीं थी ना, उदापी या तो हैप्पी बना दी थी,
इस वजह से मम्मी ने बनाए तो बोलेंगे जा जल्दी जल्दी देकर आ जा, और अभी बहुत टाइम बचा है, फिर भी मम्मी ने इतना जल्दी जल्दी बना दिए, सब चीज रेडी कर दिए, सब चीज रेडी है नीचे, कुछ नहीं गर्म हो पाएगा यार। अरे बच्चे एक नंबर ठीक है, यहाँ पे अनसीन क्लिप्स देख लो भाई कैसा मिक्स कर रहा है, भाई मिक्स कर दे रहा जैसा क्या मैंने अपने ब्लॉग में भी दिखाया, मैं ऐसी मिक्स हाथ से ब्लॉग में दिखता ना इसलिए पता नहीं था। अरे तो लेकिन हाथ धोया भी नहीं तो नमक इसलिए तो नहीं डालते। यहाँ पर भी अभी मेहमान आने की तैयारी की जा रही है और लोग ने बहुत सारा सामान लेकर आए हैं बाहर से, ये चीज़ में ना चिकन कम रहता है और वही भाव बहुत ज्यादा रहता है, तो चिकन लाए नहीं है वो, चिकन लाए भी नहीं है, लकड़ी लाए मतलब कुरमुरा लाए, कुरमुरा मतलब मेरी हर बात पे इसको काउंटर देने का ही है, हर बात पे एनकाउंटर आई एम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। देखा ये अब तारी करके हो चुका है और हम लोग नमाज के लिए निकल चुके हैं, चलो जल्दी लेट कर, थोड़ा लेट हो गए हम लोग हमेशा, जल्दी बैठो, कल तो तुम लोग लेट आ गए थे, हम लोग नीचे खड़े हुए थे, जल्दी भागा भूल गया गाड़ी भी बंद हो गई, चलो पीछे इतनी सारी लाइट जो लगी है। तो चलो गाइस व्लॉग को अभी यहीं पर एंड करते हैं, आज तू जला तू आई बला को डाल तू टेंशन में छोड़ दे हो जा तू बेफालतू, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट करना।